नमस्कार, मैं महाराजा अग्रसेन हिमालय निर्मल विश्वविद्यालय के बारे में चंद शब्द आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक जमाना था जब पहाड़ों से लोग नीचे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में जा रहे थे। तब जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने पहाड़ों में जो कि खाली होते जा रहे थे, वहां पर उच्च शिक्षा के एवेन्यूज देने की कोशिश की। ये जो यात्रा है 2016 से प्रारंभ हुई थी और उत्तराखंड शासन ने अपने 2016 के अधिनियम के तहत हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि आज महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित है और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों की डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मान्य है। यह विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का सदस्य भी है और उसका ये फायदा होता है कि जब किसी बच्चे को विदेश जाना होता है तो इक्विलेंस का जो सवाल उठता है उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चा आसानी से विदेश जा सकता है। इस प्राकृतिक वातावरण में जहाँ पर प्रदूषण नहीं है, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं है, कोई वैसा प्रदूषण नहीं है, शांत माहौल है और यदि देखा जाए तो असली मायने में ये गुरुकुल है, जहाँ पर हमने पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने का भी प्रयास किया है। एक और जो चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी कि एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में फर्क क्या होता है। एक महाविद्यालय जो होता है वो जिन कोर्सेज को ऑपरेट करता है उसके लिए उसे किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता चाहिए होती है। बच्चों को सिलेबस भी उस विश्वविद्यालय का पढ़ना पड़ता है, मार्कशीट और डिग्री भी उसी विश्वविद्यालय से मिलती है। जबकि एक स्वायत्त विश्वविद्यालय जो है वो एक स्वायत्त संस्थान होता है जो अपना कोर्स खुद डिसाइड करता है, मार्कशीट वो अपने बच्चों को देता है, डिग्री देता है और इससे काफ़ी कुछ परेशानियां कम हो जाती है, खासतौर पर पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो ये एक ही जगह पे एक छत के नीचे सारे काम होते हैं। और इसी वजह से महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को भी तुरंत लागू कर रहा है और इसमें बच्चों को एग्जिट ऑप्शन, रोजगार पर शिक्षा को और बढ़ाने का अधिकार भी मिलेगा। विश्वविद्यालय जब से स्थापित हुआ तब से विश्वविद्यालय ने पूरी कोशिश की है कि पहाड़ के बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, जिससे ना वे केवल नौकरी के लायक बन पाए बट उसके साथ ही साथ अपना जो है जिसको हम बोलते हैं उद्यमिता, तो अपना खुद का उद्यम चालू कर सके। और एक बेसिक सवाल जो हम लोग अक्सर बच्चों से भी पूछते हैं कि हर कोई नौकरी करेगा तो नौकरी देने वाला भी तो कोई बनना चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमारे बच्चे इस लायक बन जाए कि कल को वो 2-4-10 लोगों को नहीं, भविष्य में 100-200 या 1000 लोगों को नौकरी दे सके। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बहुत जोरों शोरों से एक प्रोग्राम लागू किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही साथ हम महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि 27 अप्रैल 2022 को परम पूजनीय माता श्री मंगला जी और हृदय सम्राट भोले जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में आए थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय के नए नाम का अनावरण किया। तो उसमें जब हम लोगों ने डिस्कस उनसे किया कि बच्चियां आर्थिक परिस्थितियों की वजह से पढ़ नहीं पाती हैं और या पढ़ाई वो चालू करती हैं तो बीच में छोड़ देती हैं, तो माताजी ने मंच से घोषणा की कि विश्वविद्यालय में इस सत्र से जो बच्चियां प्रवेश लेंगी उनकी फीस हंस कल्चरल सेंटर द्वारा वहन की जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो ट्रस्ट है, प्रमोटिंग ट्रस्ट जिसने ये विश्वविद्यालय बनाया है, जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट जिसके जो चेयरमैन है प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी, उन्होंने भी ये घोषणा की कि जो बच्चियां हमारे हॉस्टल में रहेंगी तो उनको जो हम पहले 3,500 रुपये प्रति माह लेते थे रहने और खाने का सारे सुविधाओं के खर्च के सहित, अब उसमें से 1,500 रुपये प्रति माह जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा। यानी बच्चियां केवल 2,000 रुपये में
रह सकती हैं, खाना मिलेगा उन्हें, बिजली पानी हर चीज का वो रहेगा। यदि हम इसे बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से देखें तो लगभग 65 रुपए रोज पे, जिसमें आज एक थाली नहीं, एक वक्त की थाली नहीं मिल पाती है, उसमें बच्चियां पूरे महीने उसके हिसाब से रह सकती है। ऐसा नहीं है कि हम महिला सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ की ही केवल बात कर रहे हैं। जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक और घोषणा की है कि जो भी छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उनकी, वैसे तो हमने फीस काफी कम कर रखी है, लेकिन साथ ही साथ यदि वो निवेदन करते हैं तो उनकी फीस में और भी रियायत दे दी जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि इन सब रियायतों के लिए, चाहे लड़कियों के प्रवेश के लिए हो या लड़कों के प्रवेश के लिए हो, हमें कोई BPL का कार्ड, कोई प्रमाण पत्र, इस तरह का कोई चीज नहीं चाहिए। सिर्फ बच्चे को हमें अप्रोच करना पड़ेगा और हम उसकी बात सुनेंगे। और यही एक खूबसूरती है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय में कि बच्चे की बात सुनने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे अपनी बात बोलें, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड का बच्चा और खासतौर पर गढ़वाल का बच्चा सवाल पूछने में थोड़ा झिझकता है, और वो कहीं ना कहीं एक जो है उसकी पर्सनालिटी को जो ग्रो करने में एक फैक्टर रहता। तो हम लोग एनकरेज करते कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे, उसे समझ में नहीं आए बार बार पूछे, क्योंकि हमारा ये सिद्धांत है कि बजाय सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के और कुछ भी नहीं जाने वो बच्चा, उससे बेहतर होगा कि वो जितनी चीज़ें समझे उसको जिंदगी भर याद रखेगा, जिससे उसका विकास और ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों ने इस वर्ष से 4 गाड़ियां भी ले ली हैं जो कि निकटवर्ती क्षेत्रों से बच्चों के आवागमन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। ऑफकोर्स उसके लिए बच्चों को जो भी पेट्रोल का या डीजल का खर्चा है उसको शेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं हमारे पास और जो कि यूनिक हम लोगों को बनाती है, और उससे एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम लोगों के सामने एक ज्वलंत समस्या थी कि पलायन तो हो रहा है, रोजगार की संभावनाएं नहीं है, तो उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अभी अभी एक मेजर स्टेप लिया है कि एक अल्ट्रा मॉडर्न बेकरी एस्टैब्लिश की है। इस बेकरी में बच्चों को बिस्कुट, ब्रेड, बन, पिज्ज़ा, रस्क इत्यादि चीज़ों को बनाया जाता है। अब इसमें हम लोगों ने एक लोकल ट्विस्ट लाया जो कि इसको यूनिक बना देता है, कि जैसे हम लोगों ने जखिया, जिसको हम लोग ज़्यादा नहीं मानते, तो जखिया के बिस्कुट भी बनाने चालू किए हैं, मंडवा के बिस्कुट भी बनाने चालू किए, और इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन हमारे आगे भी चलते रहेंगे। अब इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो लोकल प्रोड्यूस है उसका कंजम्पशन होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो जो पैसे का सर्कुलेशन है इसी इकोनॉमी में घूमता रहेगा। यदि हम एक समझने की कोशिश करें कि हमारी जो पहाड़ की अर्थव्यवस्था है, ठीक है पलायन हुआ है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती जा रही है, लेकिन एक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो गैप आ रहा है कि जो ज़्यादातर पैसा है यहाँ पे सामान नीचे से आता है और पैसा नीचे जाता है उसके बदले में, तो यदि हमने ऐसे छोटे छोटे कदम से यहाँ की इकोनॉमी को थोड़ा सा, इसी क्लोज इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं, कि कुछ पैसा इस इकोनॉमी में घूमने लगा तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाएगा। और इसी चीज सोच के तहत हम लोग बड़ी जल्दी ही अचार मुरब्बा की फैक्ट्री भी डालने वाले हैं, जिसमें बच्चों को एक्सपोजर भी मिलेगा, और साथ में हमारा मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का प्लान है आगे भविष्य में। हो सकता है हम स्पन के बारे में भी बात करें, क्योंकि जिन लोगों ने मशरूम प्लांट्स लगाया है उन्हें स्पन दूर दूर से मंगाना पड़ता है और जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब हो सकता है किसी को लगे कि ये हम कमर्शियली बात कर रहे हैं तो इससे क्षेत्र का क्या भला होगा, तो क्षेत्र के भले के लिए ये है कि विश्वविद्यालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट महोदय है डॉक्टर विजय जोगदंडे, वो आए थे, DDO साहब भी आए थे, पुष्पेंद्र चौहान जी, तो उनके सामने हम लोगों ने उनको अपनी सुविधाएं दिखाई और उनको आश्वस्त किया कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
कल को हमारे किसी बेकरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते तो उसमें हम लोग सहयोग देंगे, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहते उसमें सहयोग देंगे, और यदि जिला प्रशासन को लगता है कि हम विश्वविद्यालय को यहाँ के लोगों को कोई स्किल सिखाना है, किसी चीज़ के बारे में ट्रेनिंग देना, तो हमारी सुविधाएं जिसमें हमारा ऑडिटोरियम भी है, बाकी सुविधाएं भी सारी की सारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएंगे। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोगों को मिलके पहाड़ के बारे में सोचना पड़ेगा। पहाड़ अब खाली नहीं होंगे, पहाड़ों में दोबारा हम लोग चाहते हैं कि लोग सुनाई दें। अभी केवल जानवरों की, चिड़ियों की आवाज़ आती है, धीरे धीरे वो लोगों की आवाज़ से भर जाए। और इसमें महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रबंधन मंडल की तरफ से मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी का सहयोग चाहिए। आप अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय में भ्रमण कर सकते हैं या जो हमारे मोबाइल नंबर्स हैं उन पर संपर्क।